विगत दिवस संविदा कर्मचारियों एवं गुना विधायक पन्नालाल शाक्य के बीच जिला कलेक्ट्रेट परिसर में हुई तीखी नोकझोंक के बाद आज एक महिला संविदा कर्मी ने विधायक को जवाब दिया है। सबसे पहले तो हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर विधायक ने संविदा कर्मियों से ऐसा क्या कह दिया था जिसकी वजह से संविदा कर्मी द्वारा विधायक को जवाब दिया गया है। आपको मेरी बात पर विश्वास है कि नहीं है ना? जो बात हम करेंगे और अभी गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी घूम रहे हैं, इसलिए बात नहीं होगी। ये आप पक्का हो, ये तो बात विधानसभा जब चालू होगी तब हो पाएगी। तो आज तारीख है 19-26 से विधानसभा चालू होगी। ये हमारा वादा है कि हम ये बात रखेंगे और उनसे कहेंगे कि इसका निराकरण कल वादा है एक बार। और अगर अभी हाल एक भैया बोल रहे थे कि ऐसे विधानसभा प्रश्न तो सबको ने लगा दी, मुझे बता दो कौन कौन ने लगा कह देंगे नहीं घर छूट के आए तुम घर ही रहते लड़ो नहीं आए हो तो तलवार लेके आए आपसे लड़ने जी हाँ, ये थे विधायक पन्नालाल शाक्य के वो शब्द जिसके बाद पूरा कलेक्ट्रेट परिसर हमारी भूल कमल का फूल के नारों से गूंज उठा था। आज इसी संबंध में बात करते हुए एक महिला संविदा कर्मी ने डीजीआना न्यूज के माध्यम से विधायक पन्नालाल शाक्य तक अपनी बात पहुंचाई है। इनका कहना है कि हम तलवार लेकर तो लड़ने नहीं आएंगे, लेकिन आगामी चुनाव में वोट के बटन से लड़ाई लड़ेंगे और गुना विधायक को जवाब भी देंगे। नहीं, जैसा कि माननीय विधायक जी ने बोला है कि आप तलवार लेके लड़ाई लड़ो, तो आगे आने वाले चुनावों में तलवार तो नहीं लेकिन बटन दबा के जरूर हम उस लड़ाई को बिल्कुल लड़ेंगे और इसका परिणाम विधायक जी देखेंगे।